जब अगली हियरिंग हुई उन्होंने बोला जो जज साहब ने उन्होंने सीधा एक क्वेश्चन पूछा, फोन किसके पास पाया गया? जो आईओ था उसने बोला इस लड़के के पास पाया गया जी। तो कह रही ये कैसा है, अरेस्ट करो इसको अभी, ऐसे कैसे छोड़ रखा है? फिर कह रहे इनसे लिया था, इट डज नॉट मैटर, जिसके पास मिला उसको अरेस्ट करो। मेरे फटके छा, मैं कांपने लग गया, समय मेरे चक्कर से आने लग गए। मैंने कहा यार ये क्या होने लग गया भाई। बहुत सारे दिन होते हैं जो काफी स्पेशल होते हैं, बट आज के दिन मैं कोर्ट के अंदर पहली बार कुछ चीजें देखने वाला हूँ, एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। जहां तक कोशिश करना चाहिए कि कोर्ट के अंदर कोई ना जाए किसी केस के रिगार्डिंग। मैं जिसके साथ जा रहा हूँ भाई काफी बड़े वकील हैं, और आज आप लोगों को भी उनसे मिलवाऊंगा, दिखाऊंगा कि किसके साथ मैं जा रहा हूँ, रोहिणी कोर्ट। आज लगेगा होटल के अंदर छापा, बहुत ठसा देके गायब होते, बहुत ठसा देके मेरा नाम बदनाम हो रहा है मार्केट में। चलो लिफ्ट आ गई। रमेश नगर में होटल है, ज्यादातर जब भी कभी ऐसा मूड खराब होता है कुछ होता है भाइयों के साथ आके बैठ जाते हैं तो मूड ठीक रहता है, थोड़ा सा बातचीत हो जाती है, बहुत सारी एजुकेशन की भी बातें हो जाती हैं। दूसरे फ्लोर पे चलो भाई। रिपोर्टिंग, वेयर आ रही हो? सो रहे हो, उठे हुए हो? क्या हो रहा है ये कौन सी हरकतें हो रही है? दो लौंडे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे इंद्र भाई आप कैमरा नहीं है क्या? पकड़े गए, पकड़े गए। सुमी गए, पेट ज्यादा आ गया, पर कुछ और ही कर रहे थे भाई अंदर, इतनी देर से एक घंटे से सुनने में आ रहा है अंदर। कल रात को प्रीत के साथ सो रहे थे? डाल मत देना ये सब चीजें, मैं तो डाल दूंगा। मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है वो तो डाल देता हूँ, बाद में यादें ताजा हो जाती है देख के। कौन देख रहा है ना, हम ही देखते ज्यादातर, हम ही देखते ज्यादातर। अंकल अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, लक्षण बदलते जा रहे हैं, लड़के के साथ सो रहे थे वो भी लॉक करके, हम तो गेट खोल के सो रहे हैं, हम भी गेट खोल के ही खोले थे। उल्टी उल्टी हो गई, सही कहते हैं अगर किसी के कोर्ट के चक्कर लगे जूते घिस जाते हैं ना, मेरे भी जूते घिस गए, सोल गायब हो गई। रात भर यहीं पे रुका हुआ है। अरे ये वो नहीं, आज ये हेयरिंग नहीं करने वाले, आज ये गवाह बने हुए गवाह। एक बात बताओ, रात को कह रहे वो फाइल पड़ी है यहाँ पे, पूरी रात भर यहाँ रेडी करूंगा, कब पढ़ ली फाइल? अलग ही फिल्म हो, अभी रास्ते में ही पढ़ूंगा, फोन में ही है, फोन में ही है। डेट और वही याद करने में ना, ये रास्ते पर नहीं पड़ेंगे, फंसा पे ले एक बार अंदर चल मारूंगा, एक पेन लेके जाऊंगा, छोटी छोटी डेट लिख दूंगा आज पे। अच्छा, ऐसे करके बोल दूंगा, बोलने देंगे ऐसे करके? उन्हें थोड़ी पता दिख रखी है, मतलब वही नोट करते हैं ना कि हाँ ये बंदा सही कर रहा है, इसकी बात अभी भी कायम है उस डेट की। हाँ सब मेरी सुनेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, नोट हो जाएगा कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद सामने वाला वकील मेरे से बहस करेगा, मतलब वो काटने की कोशिश करेगा कि कैसे बंदा एक बार जुबा इसकी थोड़ी गलत हो जाए, इसने जो बोला इस पे कहीं घुमा दूं। हाँ, और फिर वाट लगा दूं। हाँ। सर देखो झूठी गवाही की गई है, हार दी जाए इसकी। मैं कुछ चीजें ऐसे पेंडिंग हो जा रही है, अंकित होता है तुरंत निपटाता है, अबे यार गंदी की कर दी तो साफ कर देते हैं। मेरा जब फोन जमा हुआ था मैं उधर ही गया था ना, माल खाने से मैं बड़े पापड़ भेले थे अपने फोन के चक्कर में। मेरा सीन हुआ था, मैंने एक टाइम फोन लिया था, स्कूल के टाइम मेरी आदत थी फोन मतलब लेता था फेंकता था, और कुछ मैंने यूज करता था, तो मतलब एक इनकम सोर्स भी बनाई थी मैंने उस समय, क्योंकि स्कूल लाइफ में तो कोई दिमाग था नहीं, मैंने कहा यही करता हूँ, तो लिया एक्स्ट्रा 1500-2000 रुपए करके फेंक देता था। चला भी दिया, पैसे भी आ गए। हाँ पैसे भी आ गए, हफ्ते में चलाया, मतलब ऐड लगा देता था, तब तक यूज करता रहता था, और जैसे किसी का आया तो मैं फेंक देता था, मैंने ठीक है चलो हो गया। फिर एक बार क्या हुआ, मैं एक चांदनी चौक में गया था एक मोमडन के पास, उससे एक्सचेंज कर लिया, मुझे मैंने उसे अपना दे दिया A7 दे दिया सैमसंग का, और उससे ले लिया मैंने वीवो V5 नया आया था, फिंगर सेंसर टच था उसमें, और काफी स्मूथ भी चलता था, मैंने कहा ले लेता हूँ कोई नहीं। और मेरे वाले में थोड़ी दिक्कत थी डिस्प्ले की, मैंने यूज करा, 15 दिन बाद मुझे यहाँ कॉल आ गई, क्या नाम है आपका याद होगा आपको, 2018 में सुना होगा आपने कि पुरानी दिल्ली में कम से कम 1500 फोन पकड़े गए थे चोरी के, उसमें से वो फोन एक मेरा भी था, इससे लिया था। फिर वहाँ पे कांस्टेबल थे, फोन आ गए मेरे को, कह रहा आ जा या फिर जिप्सी भेज दूँ। फिर मैंने कहा पंगा लेने की जरूरत नहीं है सचिन, मैं याद हूँ क्योंकि आवाज़ तो पता है। वहाँ पहुँच गया, वो सीधा पकड़ने वाली बातें होने लगी, क्योंकि वो भैया वो ट्रांसफर करके आए ही इसी चीज के लिए थे, ये DCP ऑफिस है ना आपका चांदनी चौक वाला, उसी में ही, तो वहाँ गया था मैं। मैंने कहा ठीक है भैया ऐसा ऐसा, मतलब सर ऐसी ऐसी चीजें मैंने किसी से लिया था और मुझे नहीं पता था कि ये चोरी का फोन है, और बंदे ने मुझे प्रॉपर बॉक्स दिया, बिल बना के दिया, उसने फ्रॉड दिया भाई मैं क्या करूं। हाँ वो दिया, उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं हो सकता, या उस बंदे को पकड़वा भाई, मैं को रोना आ रहा था, मैंने कहा यार मैंने कभी कुछ किया नहीं, खामा खा फंस रहा हूँ,
ऊपर 36 के भाव अपने आप चला जाऊंगा। और उस समय एक फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ भी आए थे, उनका भी सेम ही सीन था। तो मैं मेरे को बोला अगर देख तू कर सकता है तो तेरे को एविडेंस बना दूंगा, तू बच हाँ विटनेस बना दूंगा, तू विटनेस वे पे आ जा नीचे से और क्या होगा तेरा सेफ हो जाएगा। तो उस समय मेरा जो आईओ था राजकुमार था, अब वो मेरे को खाने के चक्कर में लगा हुआ था। कटिंग तो सोचते हैं, हाँ कटिंग सोचते हैं। तो जो बाद 3 मिनट के लिए लाइट खुल रखी है, राइट देखिए यहां से। जो आईओ था ना वो काटने के ताड़ में पूरा था। और केस चलो बचा मैं कैसे, सबसे पहले जब उन्होंने बोले बंदे को पकड़वा दे, उस दिन मेरी किस्मत बाइक वॉर्ड इतनी अच्छी थी, मैं ना ओएलएक्स पे गया सर्च करने और मेरा फोन में हल्का सैमसंग A7 था ना, वो 10 था, मैं पहचान गया ये फोन मेरा है। अच्छा उसने भी ऐड पे डाल रखा, हाँ उसने भी ओएलएक्स पे ऐड पे डाल रखी थी, उसे एक्सचेंज करना जनवन चीज लानी थी उसे, हाँ, फिर बेच देता वो, उसने भी डाल दी थी। अब मेरे को पल्ले पड़ेगी ये फोन मेरा है, मैंने उससे बात करी, फिर मेरा दोस्त था नीतीश है भी उसके साथ मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा है, हाँ तू जा नहीं मैं ही गया हूँ साथ में, वॉर में गए और पीछे से उन्होंने जो इंस्पेक्टर थे वहाँ वाले सीनियर वो गांव के उधर के निकल गए, मेरे वहीं के आए उधर साइड के निकल गए। अच्छा। उन्होंने बोला तू उधर के ये यूपी के ये अपने इधर का लड़के और सीधी बात तू करवा देगा, मैं तेरा जुगाड़ कर दूंगा कि क्यों तूने किया नहीं है, पर पकड़वाना तुझे ही पड़ेगा, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं मेहनत नहीं कर सकता। तो बाय गॉड किस्मत इतनी अच्छी, मैंने बात करी बंदे से, बंदा रेडी हो गया उसी दिन, सेम डे रेडी हो गया। अच्छा। मैं नीतीश निकले मेट्रो से और दो थे सर वो सिविल में आए, हाँ उस सिविल में थे वो, बाइक से आए हम पहुंचे ये आपको चांदनी चौक वाले जो वो नहीं बुक वाला मार्केट, बुक वाली मार्केट वहां गए, वहां उसने बुलाया, वहां जाके बंदे से मिला, नीतीश बात कर रहा था, मैं पीछे था, मैंने कॉल कर रखा था, उन्होंने बोला था स्पीकर पे रखी हो मतलब कॉल ऑन रखी हो, रिकॉर्डिंग चाहिए हमें, मैंने ठीक है सर कॉल किया, मैंने कहा भाई मैंने आपसे फोन लिया था, उसने कहा भाई याद नहीं, मैंने कहा फिर मॉडलों का डिटेल बताई, उसने बोला हाँ हाँ याद है यार मैंने दिया था तो मैं ये किया था, बट जैसे उसने ये बोला उधर फोन कट हुआ, उधर से आके उस बंदे को पकड़ लिया और बिठा के दोनों बाइक के बीच में लेके चले गए, उन्होंने बोला तुम दोनों भी उधर ही आओ थाने में आओ। उस दिन पूरा इतना गंदा सीन ही था, थाने गए उन्होंने क्या वहां से फाइल बनाई, फाइल आगे भेज दी, फाइल आगे भेजने के बाद हम चले गए आपके, ये नई दिल्ली वाला नहीं है जहाँ एसपी ऑफिस है आपका, एसपी ऑफिस गया था, फिर मैं वहाँ पे जाके उन्होंने केस वगैरह पूरी बन रही थी, फाइल वगैरह सारी हुई थी रेडी कर रहे थे, तो वो एक पीला कलर का पर्चा था, अब FIR पर्चा था क्या था पता नहीं, तो उसमें वो चढ़ा रहे थे, फिर उसमें मेरे को भी डालने लग गए, पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं, नहीं फोन तेरे पास से मिला तेरा नाम आएगा इसमें, तू भी अंदर जाएगा, तेरी भी होगी हैंड प्रिंटिंग होगी और वो सब करके स्कैनिंग करके करते हैं ना जो पागल बनाते हैं, पागल बना तो नहीं था पर करा था क्योंकि उन दोनों लड़कों का भी किया जो उठा के लाए थे ना, तो नहीं मतलब तेरे से तो इसलिए तेरे को पागल बना देंगे पैसे देगा, हाँ तो इसलिए फिर मैंने क्या किया मैंने कॉल किया, मैंने सर का नंबर ले लिया था, मैंने सर ऐसा पहले उठा नहीं रहते, मैंने कहा पिला, फिर जाके कैसे कैसे करके कॉल करके उठा के बाद में बात हो गई शाम तक, क्योंकि वो भी केस को करके चक्कर में बिजी थे, फिर उन्होंने बोला नहीं इस लड़के को एविडेंस के उसमें करना है कि ये नहीं करना, इसको फोन मिला जरूर है पर गलती इसकी नहीं, इसने पकड़वाया भी है बंदों को जिनके पास था, पूरा एविडेंस हमारे पास है क्योंकि वो तो फ्री हो गए, उनका कुछ सीन तो था नहीं, उन्होंने पकड़वाया काम खत्म किया, पुलिस देखेगी, फिर वो क्या हुआ पुलिस वाला कम से कम 12 बज गए थे रात के, जेब में एक भी पैसा नहीं, तो रात के 12 बज गए पैदल, अब सोचो वहां से लेके घर तक पैदल गया था मैं और नीतीश, जेब में कुछ भी उस समय ना स्कूटी थी ना गाड़ी थी ना कुछ, स्कूल लाइफ थी, मुश्किल से 12th क्रॉस करी थी, स्टूडेंट तो चाहे अरबपति का वो भी गरीब होता है, कुछ नहीं, अब फर्स्ट टाइम तक किसी पुलिस वाले से मैंने पैसा लिया था, उसी आईओ से ही लिया था मैंने, मैंने कहा 500 रुपये दे दो, उसने दिया मेरे को, मैंने कहा 500 रुपये दे दो सर है नहीं मैं आपको कल आके दे दूंगा, रात को जब मेरा पूरा सीन निपट गया जब नहीं जाना ठीक है बख्श दिया ये चल निकल, सुबह आईओ कोर्ट में है वहाँ पे ये है वो है बुलाया था, तो जेब में थे नहीं बिल्कुल, फिर उस टाइम मैंने लिया सर बिल्कुल पैसे नहीं है आप दे दो, क्योंकि कल का हिसाब जोड़ना था, आज मैंने सोचा पैदल चला जाऊंगा तो पैसे लिए, रात को ऑटोग्राफ भी नहीं करना था, वहां से लेके पूरा घर तक पैदल गए, इतनी दूर हाँ अरे फटी हुई थी दिमाग ने,
फिर मतलब घर में मैंने कोई सीन नहीं बताया आज तक, नहीं पता घर में कि मेरे साथ क्या सीन हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां से मैं और नीतीश मेरे ही छत के ऊपर सो रहे थे, हम आ गए थे छत के ऊपर सो रहे थे, रात को मच्छर काट रहे दबा के, हम दोनों नींद नहीं आ रही, बकलोली कर रहे लेटे हुए, वो फट्टे से नहीं होते बाउंड्री जो होती है उस पे लेटे हुए थे छत के। तो फिर 5 बज गए, 5 जैसे बजे घर के अंदर घुसा, घर वाले कह रहे कि अभी आ रहा है, मैंने कहा हाँ नीतीश के घर पे सोता हूँ, उन्हें क्या पता छत पे सो रहा हूँ। फिर नीतीश अपने घर वहां से निकला, मैं इधर, नीतीश ने बोल दिया उसके घर सो रहा था, हमने ऐसे कर दिया। फिर वो अपने घर, मैं यहाँ ब्रश होगा किया, फिर मेरे को 8 बजे कॉल आ गई, मैं यहाँ पे आ जा कोर्ट आ जा, मैंने कहा इतनी जल्दी, मैंने ठीक है आ रहा हूँ, कोर्ट गया। फिर वहाँ सेटलमेंट करने की बात हो रही थी, तो मोमडन के फैमिली वाले भी आए हुए थे और उधर पुलिस वाला भी था, तो उसे मतलब हेयरिंग हो नहीं पाई, मतलब 2 बजे के बाद का सेक्शन था हमारा, 2 बजे के बाद का टाइम नहीं मिला हुआ था पलचे पे, तो वो हो नहीं पाया। उन्होंने बोला अगले दिन आना, तो पुलिस वाले बातचीत करके कि हाँ क्या क्या करना है कैसे करना है, तो पूरी डीलिंग हुई। और जो जिसका फोन था ओरिजिनल ओनर वो भी आया हुआ था, और ओरिजिनल ओनर को बोला भाई यार, मतलब उसको मैंने बोला भैया यार मैंने इससे लिया था, मुझे पता नहीं था चोरी का फोन है क्या था, मैंने एक्सचेंज कर लिया, फिर मैं यूज कर रहा था, मेरे पास से फोन मिला था, वो भी स्टूडेंट लड़का ही था हमारी एज का, तो बात समझ गया। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट हियरिंग थी, फिर उसी दिन पुलिस वाले ने बोला देख इतने इतने लगेंगे, सेटलमेंट करवा दूंगा, जबकि शायद सेटलमेंट वो नहीं कराने वाला था, सेटलमेंट वो कराने वाला था जो लड़का था। फिर हमने बोला ठीक है, टोटल मेरे ख्याल से 8,000 रुपए में बात हो गई थी तेरी भी? नहीं नहीं, हम टोटल हम सबका मिला के मोमडन हाउस का पूरा सस्ते में, हाँ 8,000 में कह रहा था सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, 8,000 में सेटलमेंट हो रही है। और मेरी जेब में तो एक भी रुपया नहीं, काम करता नहीं, कुछ करता नहीं, जो फोन से 1,500-2,000 रुपए सेलिंग करके कमाता था वो उड़ा देते थे, खा लेते थे बैठ के, फोन भी गया। तो उसको मतलब 8,000 में पूरी डीलिंग हुई थी, इतना याद है। फिर क्या वो मोमडन वाले थे, उन्होंने बोला 2,000 रुपए अगर भाई बेटा तेरी तरफ से है तो तू 2,000 कर दे, मैं बाकी कर लूंगा। मैंने मेरे मन में था आपके तो 2 बेटे हैं, आप तो कर ले रहे हो, मैं घर में बता नहीं सकते, घर वाले सूद देंगे, किस तेरे को मना कर देते ऐसे फोन इतने मत चेंज करा कर, ये मत करा कर, किसी दिन जाएगा। मैंने बोला अंकल आप कर दो, मैं ना कल कर दूंगा आपको अरेंज करके, कैसे क्योंकि मेरे पास है नहीं और मैं घर में बता नहीं सकता। उन्हें चल ठीक है, उन लोगों ने अपनी तरफ से कर दिया। फिर जो आईओ था वो बाद में मेरे ऊपर कंप्लेन करने डालने को तैयार हो गया, क्योंकि बाद में जब अगली हियरिंग हुई थी किसी पे तो डालना ही पड़ेगा, हाँ क्योंकि उधर तो हो गई मेरे पर डालने लगे। फिर उधर क्या हुआ, जब अगली हियरिंग हुई उन्होंने बोला एडवोकेट जो जज साहब ने, उन्होंने भाई किसी को सुनी नहीं, उन्होंने बोला ये सीन है, उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा फोन किसके पास पाएगा, जो आईओ था उसने बोला इस लड़के के पास पाएगा जी, तो कह रही ये कैसे अरेस्ट करो इसको अभी, ऐसे कैसे छोड़ रखा है। फिर कह रहे इनसे लिया था, इट डज नॉट मैटर, जिसके पास मिला उसको अरेस्ट करो। मेरी फटके छा, मैं कांपने लग गया, समय मेरे चक्कर से आने लग गए, मैंने कहा यार ये क्या होने लग गया भाई, मेरी फिल्म बनने लग गई। फिर वो जो सुलह कराने वाला बंदा था उससे पूछा जैसे आपने, बताओ क्या करना है, सेटलमेंट करना है या फिर प्रोसेस आगे बढ़ाना है। लड़के ने बोला सर सेटलमेंट कर दीजिए भाई, वहां पे जान से जाना ही। फिर उन्होंने ठीक है कोई नहीं केस क्लोज। मैंने कहा यार अभी यहीं अरेस्ट होता नहीं, अब तो ऐसा कानून आ गया कि जैसे अगर आपके पास मिल भी जाता ना चोरी का फोन और आपकी नीयत साफ थी, या तो आप थाने में दे दो जाके, या आपके पास फोन आया आप उसे जायज बता दो, चाहे वो पैसे दे के करे उस चीज को, चाहे नॉर्मल होगा तो वैसे कर देगा। अच्छा, वो सीधा दिखा देगा जी मिला जरूर है इस पे, लेकिन इसकी नीयत सही थी और ना इसने चुराया है, रिकवरी तेरे पास से दिखा देगा, ना तेरे ऊपर केस चलेगा, ना कुछ, 1 तारीख पे जाएगा तू, ना गिरफ्तार होगा, जज साहब के सामने बयान हो जाएंगे। नहीं वो होता, फिर उस फिर क्या हुआ, जब मेरे साथ सीन हो गई थी तो जिसे मतलब जिस दिन मैं चला गया था जो पैसे वाली बात हुई थी उस दिन पुलिस वाले ने बुलाया था मेरे को, धमकी दी थी मेरे को, तो मैंने हाँ नवनीत सर थे आपके हरियाणा के ही थे, तो उनसे बात होती थी, उनके सीनियर सर से भी बात होती थी, उनका भी नंबर था, तो नवनीत सर को मैंने कॉल किया, क्योंकि सर की कॉल लगती थी नवनीत सर उठा लेते थे, मैंने नवनीत सर ऐसी ऐसी बात है कि ऐसे कह रहा है, उन्होंने कोई नहीं तो DCP ऑफिस आ जा। वहाँ गया, सबसे पहले मेरे को लेके गया SHO के ऑफिस, वहाँ पे लेटर लिखवाया कि ऐसा ऐसा कह रहा है भाई राजकुमार इस लड़के को और डिमांड कर रहा है,
लेटर लिखवाया, फिर वही सेम लेटर ले जाके फिर आपके डीसीपी ऑफिस में, मतलब डीसीपी ऑफिस में सबसे पहले मिलवाया, नहीं एसएचओ ऑफिस में करा, फिर डीसीपी ऑफिस में उन्होंने मिलवाया था, जो डीसीपी सर थे उनसे मिलवाया कि ऐसा ऐसा ये लड़का ऐसा है, और थोड़ा उन्होंने डिमांड हो रही है, हाँ अब पैसे डिमांड हो रही है, और थोड़ा उन्होंने अपना अप्रोच लगा दी कि मेरे इधर का ये लड़के को मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, और अप्रोच करने गलत कर रहे हैं। तो डीसीपी सर ने बोले काम कर एसएचओ ऑफिस चला जा, एक लेटर लिख के दे दे उसके अगेंस्ट, बाकी मैं बोल दूंगा। तो एसएचओ ऑफिस गया, दो पन्नों का वहाँ लेटर लिख के दिया, फिर वही चीज सेम उन्होंने बोला एसीपी ऑफिस चला जा, नई दिल्ली वाले, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने वाले उधर पुरानी दिल्ली के रोड के उधर, फिर वहां जाके वहां पे भी लिख के दिया, वो कॉपी लेके आया था, दो बार लिखवा दिया, तो वही लिखवा दिया, तो उन्होंने कहा वहां जाएगा वहां पे भी लिखना पड़ेगा, दो बार लिख लिया पूरा सेम टू सेम, वहां जमा एसीपी ऑफिस गया वहां पे, तो उस समय थे चंचल करके कुछ थे एसीपी, नाम ठीक से याद नहीं, वो थे, तो उनसे बात होकर भाई, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा काम कर ये लिख दे मैं देखता हूँ। उसके बाद शाम तक वो आईओ हट गया, कहले ये तेरा आईओ नहीं है, उसे ट्रांसफर, हाँ चेंज कर दिया, उसकी मेरे आईओ की मुझे कॉल आई, तूने मेरे खिलाफ कंप्लेन करी है। मैंने कहा सर मैंने नहीं करी सर, वो मैंने सर को बोला था, वो रिलेटिव थे, मैंने आपको पहले बताया था, उन्होंने बोला ऐसे लेटर लिखते मुझे क्या पता ये कंप्लेन होती है, ऐसे कह रहे हाँ पढ़ा लिखा नहीं है तू। मैंने कहा सर देखो क्या करूँ मैं, बताओ क्या कर सकता हूँ, कह रहे क्या कह रहे गांड तो तूने मार दी मेरी, ट्रांसफर हो गया मेरा यहाँ से। मैंने सोई से मुझे पता नहीं था, वो ट्रांसफर हो गया, फिर उसका दूसरा आयु आया, दूसरा आयु बढ़िया था, उसने मेरे को सपोर्ट किया था, वो अच्छा निकल गया, दूसरा तो अपने आप नहीं करेगा, उसे पता है एक का तो हो चुका, तू भी जाएगा। हाँ दूसरे वाले ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, दूसरे वाले ने भी खाए पर मेरे से नहीं खाए, मोमडन वाले से खाए, उनसे तो खाना बनता है, हाँ उनसे खाए थे। मैंने उनको भी पूरी स्टोरी बताई थी, ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसे लिया था, फिर ऐसे मेरे को कॉल आई, मतलब पूरा जो भी आपको बताया सारी चीज उनके साथ भी ऐसी थी। बता उन्हें कोई कह रहे कोई बेटा बात कोई बात नहीं बेटा, तेरी गलती नहीं है मैं देख लूंगा। तो वहाँ पे फिर उसके बाद हेरिंग वाले ही सीन था जो सेकंड वाला मैंने आपको बताया, वहाँ पे निपटारा करवाया था। मैंने कहा यार इतने कलेश में, पर ये है मैं ज्यादा दिन नहीं भागा कोर्ट कचहरी के चक्कर में, मुश्किल से तीन दिन, पहला दिन जो पकड़ा गया मतलब बुलाया गया फोन वाला वो आप पकड़ दिया, हाँ पूरी रात खराब, फिर अगले दिन हेयरिंग के लिए, फिर एक दिन और उसमें सेट। हेयरिंग वाले दिन ही सीन हुआ था मेरा, जिस दिन वो मांग रहा था उस दिन कंप्लेन लेटर वगैरह, उस दिन भी पूरा दिन ऐसे गया। फिर उसके मतलब जब वो हो गया था ना, जो मुझे लेटर मिल गया वहाँ से कि जाके तू अपना फोन ले सकता है जो जमा है, फिर वहीं खजांची गया उधर, खजांची ने जो भी कहा माल वाले के पास गया था, उसने बोला इसकी फोटो। मैंने कहा सर फोन तो आपके पास जमा, मैं फोटो कहाँ से लाऊं ईएमआई वगैरह इसकी। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने सर फोन दे दो मैं फोटो ले लेता हूँ इसकी, फिर मैं ले आके आपको दे दूंगा। तो उस बंदे ने इतनी सपोर्ट कर दी, कहे कोई नहीं ये ले फोन ले, फोटो खींच ईएमआई वगैरह की लाके दे दे, ऑन करना है ऑन करके ले, पर मेरे को इसकी फोटो चाहिए एविडेंस के लिए कि तूने दे दिया, और लेटर लिख के लाइयो अपना नाम, अपने पापा का नाम, एड्रेस, ये वो, फोन का ईएमआई वगैरह सब कुछ उसमें लिख के लाइयो कि हाँ तू लेके जा रहा है। हद मार के मेरा अगर उसमें लगा है, हद मार के नहीं 300 रुपए हद मार के, 500 पुलिस वाले से लिए थे मैंने, 200 बच गए थे मेरे, वो ट्रांसफर हो गया कहाँ से देता, अब मैं देने का मन भी नहीं था। मैंने कहा यार जब मेरी परेशान हो रहा हूँ, ये भी वो मेरे लाइफ में पहला था कि मैंने किसी पुलिस वाले से पैसे लिए थे, वरना आज तक तो पुलिस वाले को लोग दे देते हैं। थोड़ा नाश्ता करने के लिए इधर ही हाईवे के पास हो गए पेट्रोल पंप के पास, और अभी आ रहे हैं जिनके साथ हमें कोर्ट पहुंचना है, मेन सीनियर सर जो कि हैं एपी सर, एपी सिंह, आप लोगों में से बहुत से भाई जानते भी होंगे जिनके साथ एक हेयरिंग है। बट जो भी स्टोरी मैंने सुनाई थी, मेरे साथ भी ये वाला इंसिडेंट हुआ था पुलिस के चक्कर जब लगे थे ना, मैं चाहता हूं भाई किसी के कोर्ट कार्ड के किसी के चक्कर ना लगे, और ये बात आज खुल गई ऑलमोस्ट सभी के लिए, क्योंकि ये कहानी मैंने कभी घर में बताई नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में बहुत सी आई हैं बट मैंने कभी कहीं पे शेयर नहीं करी। एक तो ये छोटा इंसिडेंट है मेरे लिए, इससे भी बड़े बड़े इंसिडेंट में मेरे बहुत लगी है वाट यार, पर बाय गॉड कभी बुरा नहीं किया तो इसलिए सेफली निकल आया, अदरवाइज वाट लग जाती है। चलो ए पी सर तो आ गए, क्या क्या रही लगाएंगे वो वाली लगा रहे हैं, इसमें बैठेंगे कौन कौन चलेगा फिर, तीन जने बैक पीछे कर देते हैं ना, हाँ पीछे कर दो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओए कहाँ जा रही है, तो भैया एपी सर है बाहर की ओर, चलो मिलके आता हूँ, चले चलो।
पंगा ये हो गया कि हम आए तो हुए थे सर के साथ, पर जैसे अंदर गए पता चला केस को डिसमिस कर दिया गया है। आज कोई बड़ा केस था सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उस चक्कर में, और वापस जाएंगे खाली हाथ, वरना आज फाइनल डिसीजन हो जाता कि सामने वाली पार्टी को क्या सजा मिलेगी या कितने साल की सजा मिलेगी। ऑलमोस्ट तो 15-20 साल की सजा मिलने वाली है।